फिरोज खान के टॉप 10 टीवी शोज। फिरोज खान एक शानदार पाकिस्तानी एक्टर है जिन्होंने बहुत टेलीविजन शोज में एक्टिंग की है। नंबर 1, खानी। खानी एक समीक्षकों द्वारा प्रशंसित ड्रामा सीरीज है जिसमें फिरोज खान ने मीर हादी की भूमिका निभाई है, जो एक युवा और प्रभावशाली व्यक्ति है जिसे एक मारे गए अपराधी की बहन से प्यार हो जाता है। इस शो ने अपनी गहन कहानी और फिरोज खान के शक्तिशाली प्रदर्शन के लिए भारी लोकप्रियता हासिल की। नंबर 2, गुलेराना। गुलेराना में फिरोज खान ने आदिल का किरदार निभाया था, जो सजल अली द्वारा निभाए गए गुलेराना के प्यार में पड़ जाता है। नाटक रिश्तों की जटिलताओं की पड़ताल करता है और दर्शकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करता है। नंबर 3, वो एक पल। फिरोज खान को वो एक पल में एक युवा और महत्वाकांक्षी व्यक्ति अरिश के चित्रण के लिए प्रशंसा मिली। यह शो प्यार, भरोसे और सामाजिक दबाव के विषयों पर प्रकाश डालता है, जिससे यह दर्शकों के लिए एक आकर्षक घड़ी बन जाती है। नंबर 4, इश्किया। इश्किया फिरोज खान और रमशा खान द्वारा अभिनीत दो चचेरे भाइयों के जीवन के इर्द गिर्द घूमती है, जो खुद को प्यार, विश्वासघात और परिवार की गतिशीलता के एक जटिल जाल में उलझा हुआ पाते हैं। इस नाटक में फिरोज खान के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। नंबर 5, चुप रहो। चुप रहो में फिरोज खान ने एक सहायक भाई रमीज के चरित्र को चित्रित किया, जो अपनी बहन के उत्पीड़न का सामना करने पर अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। नाटक ने महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डाला और फिरोज खान के प्रदर्शन को व्यापक रूप से सराहा गया। नंबर 6, तुमसे मिलके। फिरोज खान ने तुमसे मिलके में फरहान की भूमिका निभाई, एक नाटक जो प्रेम, त्याग और परिवार की गतिशीलता के विषयों की पड़ताल करता है। शो को सकारात्मक समीक्षा मिली और फिरोज खान के अभिनय कौशल की काफी प्रशंसा हुई। नंबर 7, रोमियो वेड्स हीर। रोमियो वेड्स हीर एक रोमांटिक कॉमेडी सीरीज है जिसमें फिरोज खान और सना जावेद ने रोमियो और हीर की मुख्य भूमिकाएं निभाई है। नाटक को इसकी हल्की फुल्की कहानी और मुख्य जोड़ी के बीच की केमिस्ट्री के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। नंबर 8, जिंदगी कितनी हसीन है। फिरोज खान और सजल अली ने जिंदगी कितनी हसीन है में अभिनय किया, जो एक रोमांटिक ड्रामा है जो एक युवा जोड़े की यात्रा का अनुसरण करता है जो अपने रिश्ते में चुनौतियों का सामना करते हैं। इस इमोशनल ड्रामा में फिरोज खान के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा। नंबर 9, खुदा और मोहब्बत। फिरोज खान ने हाशिम नदीम के उपन्यास पर आधारित एक रोमांटिक ड्रामा खुदा और मोहब्बत के दूसरे सीजन में फरहाद के रूप में अपनी भूमिका दोहराई। प्रेम और आध्यात्मिक संघर्षों का सामना करने वाले एक धर्मनिष्ठ युवक के उनके चित्रण की बहुत प्रशंसा हुई। नंबर 10, दिनों की दुल्हनिया। फिरोज खान ने एक हल्की फुल्की रोमांटिक कॉमेडी सीरीज दिनों की दुल्हनिया में दिनों का किरदार निभाया। यह शो दिनों के हास्य और रोमांटिक रोमांच के इर्द गिर्द घूमता है, जो इसे दर्शकों के लिए एक मनोरंजक घड़ी बनाता है।